सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं और साथ में वहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है जो हम डिलीट करने जा रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ रहा है द रिक्वेस्टेड पेज कुड नॉट बी फाउंड, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊँगा, साथ में आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपना अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट जो है कर सकते हैं। सो गाइस, एक यूज़र को प्रॉब्लम आ रही थी, वो अपना अकाउंट जो डिलीट नहीं कर पा रही थी। तो उसने मेरे को अपना अकाउंट दिया था और उसने कहा था कि आप मेरा अकाउंट जो परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। तो मैं आपको इस अकाउंट को डिलीट करके बताऊंगा कि आपको डिलीट कैसे करना है और जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स कैसे करना है। सो गाइस, इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 लाइंस मिलेंगी, आपको सिंपली से वहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है हेल्प के ऑप्शन पर, और वहाँ पर जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर हेल्प सेंटर पर, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद जो है आपको सबसे पहले क्लिक करना होता है यहाँ पे मैनेजिंग योर अकाउंट पर। जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखाता है प्रॉब्लम क्या आ रही है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है द रिक्वेस्टेड पेज कुड नॉट बी फाउंड, ये लिखा हुआ आ रहा है। मतलब यहाँ से हम जो अपना अकाउंट जो डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे एक व्हाट्स ट्रेंडिंग नाम का एक ऑप्शन मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे से स्क्रॉल करता हूँ, आपको लिख रहा है व्हाट्स ट्रेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर आपको टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली से वहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको वीडियो में बताऊँगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आपको सिंपली से वहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, देन जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गो टू दी डिलीट योर अकाउंट पेज, आपको सिंपली से यहाँ पर जो ब्लू दिख रहा है आपको ब्लू वाले ऐप पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्रोम पर क्लिक करना है, और क्रोम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आपको अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है जो आपको डिलीट करना है वो वाला अकाउंट यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ, करने के बाद आपको दिखाता हूँ वीडियो में। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ऐसे नोट नो पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको सामने ऐसा ऑप्शन खुलता है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है व्हाई डू यू वांट टू डिलीट, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है यूज़र का, आपको क्या करना है आपको नीचे वाले यहाँ पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर समथिंग एल्स पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर री एंटर योर पासवर्ड, आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर री एंटर कर देना है। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर री एंटर कर देता हूँ, करने के बाद आपको वीडियो में दिखाता हूँ। सो गाइस, पासवर्ड डालने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट, यहाँ पर यूज़र का नेम लिखा हुआ आ रहा है, आपको सिंपली से वहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो है आपका अकाउंट जो है वो अभी डिलीट नहीं होगा, वो यहाँ पर डेट लिखी हुई आ रही है 28 तारीख को जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अभी जो मैं अपना अकाउंट जो अगर मान लो मैं डिलीट करता हूँ तो बाद में जो है 28 तारीख से पहले जो मैं अपना अकाउंट जो है रिकवर जो है कर पाऊँगा ईजिली। तो सिंपली से मैं यहाँ पर डिलीट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, देन जो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है योर अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन 28 तारीख को, तो मतलब 28 तारीख का अकाउंट जो डिलीट हो जाएगा, उससे पहले चाहो तो मैं अपना अकाउंट जो रिकवर जो है इसलिए कर पाऊंगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर इतना था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियो जो है फ्यूचर में मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।